मेरे मुंह धोखे से निकल गए। एंड ये भी दोबारा से कॉल पे आए हैं दोनों दावत खाने के लिए। इनके काम देख लो, ये इनके काम देख। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एन अदर स्पेशली अमेजिंग एंड डिलीशियस व्लॉग। आज भाई कोई शॉपिंग करने नहीं आया, बस दोस्त को लेने के लिए आ रहा था और वो सो गया था, उसको बुखार बुखार हुआ हुआ है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। वो भाई जनाब यहाँ पे मैनेजर होते हैं शॉप के ऊपर, जिस जगह पे निरे लितर जूतियाँ होती हैं और थोड़े से लेदर वाले पर्स बैग शैग होते हैं। सलाम अलैकुम। फ्रेश जूते लगाए हैं सारे। कैसे पता चलेगा ये फ्रेश हैं? बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। आपका क्या हाल है सर? आप फ्रेश पर्स बेचते हैं? अच्छा, गुड सर, गुड। अभी जो है इनके जो है थोड़े से बॉस हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, थोड़े से बॉस हैं, वो आने वाले हैं, उसको लेने आया हूँ मैं। आप लोग ये देखो जी, लेना है किसी ने कुछ इसमें से मुझे लाजमी कमेंट करके बताओ। एक लकी ड्रॉ बनवा दें क्या? क्या बोलते हो? लकी ड्रॉ करवा देते हैं जो मतलब कि कमेंट में से किसी बंदे को चूज़ करते हैं कि जिसको हमने कोई गिफ्ट या कोई प्रेजेंट देना है। और ये ख़राब तबीयत के साथ जनाब असिस्टेंट मैनेजर साहब बैठे हैं, वो बुखार है, फुल बुखार है तुझे जी। तो वो आ गया है, तो उसको लेने के लिए आया था मैं स्पेशल। तो ट्रक अड्डे वाली पार्टी सीन करेंगे थोड़े से, और एक अलग सी अनाउंसमेंट है वो भी मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे जो होने क्या वाला है। लोगों को ट्रक अड्डे के नहीं पता होता वो क्या होता है, तो यार ये थोड़ी सी गलत बात है। किधर गया था आज? कर क्या हुआ था? बुखार बुखार हुआ हुआ जैसे। और अब जनाब ये आ गया, अब ठीक है तेरा बुखार? कैसे फिट जा रहा है? खाना शाना के क्या प्लान है? जैसे आपको मुनासिब लगे। मेली के एक दोस्त है, उसको मुबारकबाद भी देनी है हमने, तो वो वाला भी बीच में साथ कर लेंगे ऐड, और थोड़ा सा कुछ हो जाता है। हम ट्रक अड्डे पे जा रहे हैं आज, हम इनको ट्रक अड्डा पहले तो दिखाएं ट्रक अड्डा होता क्या है। मैं जो तुम्हारे सॉरी माजरत मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, धोखे से निकल गई। मैं लूज टॉक नहीं कर रहा होता, लेकिन दोस्तों में ऐसा होता है कि बेतकल्लुफी में बंदा बात कर देता है। पहले आज आपको ट्रक अड्डा दिखाते हैं कि होता क्या है। बेसिकली लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि उधर होता क्या, मैं वो दिखाता हूँ जो बर्गर बचे मम्मी डैडी लोग हैं उनको वो दिखा दें, उसके बाद हम इनको दिखाते हैं। तो आज मेरा ख्याल है थोड़ा सा कर लेते हैं, भाई आज हंसने वाला खुल के। सॉरी व्लॉग्स में थोड़ा सा सीरियस होता है, आज जरा दोस्तों के साथ है, तो शायद कोई उड़ती उड़ती आपको आ जाए अबे साले या कुछ इस टाइप की, तो इग्नोर मारना। 10 years later फाइनली भाईजान सफ़र करके आ गए हैं, और ठंड चल हो गई है। इसका बुखार देख के मुझे लगा कि मुझे ना हो जाए, इसलिए सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है, मौसम आजकल ऐसा ही है। और ये रमज़ान से पहले जो है भाईजान शूट हो रहे हैं, आपको पहले मैं बता दूं, क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो मुझे कुछ फतवा वतवा नहीं लगवाना अपने ऊपर। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज आप लोगों को बता दें कि ट्रक अड्डा बेसिकली है क्या। तो एक इसके बारे में क्या अभी मिथ बनी हुई है कि पता नहीं ये क्या होता होगा या क्या चीज़ है। यार ये बेसिकली तो एक पॉइंट होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जिधर कार्गोज आती हैं, जिस जगह पे आप मतलब के स्टॉक शिफ्ट किया जा रहा होता है, माल बर्दारी जहाँ से की जा रही है, ये एक स्पेसिफिक जगह बना देगी यार। जैसे लाइक दैट, इस तरह नहीं कि ट्रैवल के लिए आपको बस स्टैंड मिल जाता है, रेलवे स्टेशन है, या उसी तरीके से एक स्पेसिफिक जगह होती है। तो ये फेमस इसके खानों की वजह से, जनूबी पंजाब में अगर आपने कभी भी ट्रक अड्डों पर खाना खाना ना, तो आप लोग भावनगर आ जाएँ, बिला झिझक आ जाएँ। और इस चीज़ का ओपन चैलेंज मैं मेरा ख्याल लास्ट मेरे वीडियोस में बेशतर दफ़ा दे चुका हूँ, जब भी कभी ट्रक अड्डे का जिक्र आता है, आप इस जगह पर आएँ और आके किसी भी मेरे होटल पे आके आप लोग खाना ट्राई करें। मतलब मेरे मतलब ज़ाती मेरा होटल नहीं है, आप लोगों को ये भी मैं क्लियर कर दूं, वरना आप लोग पूछेंगे कि कौन सा। मतलब मेरे शहर में आएँ भावनगर में, और यहाँ पे ट्रक अड्डे पे आप लोग आ जाएँ, यहाँ पे आपको मटन मिलेगा, बीफ मिलेगा। सर चिकन का कोई जायका नहीं होता बोलती ही आवाम, लेकिन आप यहाँ पे आके चिकन भी आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको मेरा ख्याल है कि बाकी आपने जहाँ पे भी खाया होगा ये वाला मज़ा नहीं आना। यहाँ पे यार ये लोग किस चीज़ पे इसको बनाते हैं, भी आग के ऊपर बन रहा है, लेकिन इनकी गैस पे आग नहीं होती, ये लोग बनाते हैं किस चीज़ पे, गुटके पे बनाते हैं ये, और ओपन इसको पकाया जाता है सिर्फ कुकर पे हल्का सा प्रेशर दे के इसको, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, कन्वर्ट कर दिया जाता है।
ट्रक अड्डे पे पहले बेसिकली तौर पे ना इधर बड़ी बड़ी चारपाइयां हुआ करती थी किसी दौर में, और जो ट्रकर हजरात थे आते थे जब जितनी देर में उनका माल उतरता था उस टाइम तक वो लोग स्टे करते थे, आराम कर लिया करते थे। फिर वो जगह शिफ्ट हो गई, वो फटों ने ले लिए वो जगह, जैसे ये बने हुए पीछे। ये एक अलग ही जो ना इसकी इन्वायरमेंट, इस जो इधर की एम्बियांस होती है ना ट्रक अड्डे की, आप इसके ऊपर आके ऐसे नहीं बैठ सकते जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ। आपको जनाब फट्टे पे बैठना है ऐसे चौकड़ी मार के, लंबे हो गए आपने जनाब इसको एंजॉय करना हो, तो ये इस टाइप की जगह है। फिर अब जो है वो हालिया वक्त में इतना लेवल पे ये कन्वर्ट हो गई है कि वो फट्टों से भी जाके टेबल्स ने जगह ले ली है उसकी, और बाकायदा एक आउटिंग की स्पेस भी बन गई है। अब ट्रक ड्राइवर से ज़्यादा यहाँ पे आम लोकल सिटीज़न आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, अब ये मीटिंग पॉइंट्स बन चुके हैं, ये ऐसे स्पॉट्स हो गए हैं जिस जहाँ पे लोग आते हैं अपना मतलब एज अ हॉलीडे इंजॉय करने, अपना वीकेंड इंजॉय करने के लिए। तो हम रियासती लोग हैं भाई, हम खाना बड़ा ज़ोर लगा के खाते हैं, तो इस जगह के खाने हमेशा ही जानदार और पावरफुल रहे हैं। तो उन्हीं एक पावरफुल होटल्स के अंदर से मैं आज A1 होटल के ऊपर आके बैठा हुआ हूँ। तो माशाल्लाह से इनका टेस्ट मैंने मल्टी टाइम टेस्ट किया हुआ है, तो बाकी जो अगर यहाँ का चटखारा आप लोगों ने खुद देखना है तो मेरा ख्याल है आप लोगों को इधर आना पड़ेगा। यहाँ का अमला बड़ा फ्रेंडली है, आपको नहीं पता कि वीडियो का सेगमेंट शूट होते हुए इन्होंने कितनी मेरी हेल्प की, ये वाली। बाकी जो है इंशाल्लाह दोस्त आते हैं, गपशप भी करते हैं, खाना आपको मैं दिखाता हूँ, होटल की सैर कराते हैं, साथ आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं ट्रक अड्डे की भी आपको विजिट करवाता हूँ। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। ये लोग अपने घर बार, गली मोहल्ला, अपने शहर छोड़कर दूसरे शहरों पे आते जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की खिदमात हर शहर में इसी तरह से की जाती हैं। ये बहुत ही मशहूर हैं कि इनकी ज़िंदगियां ग़ुलामों की तरह कट जाती है, और जब बात आ जाए इनके खानों की और आराम की तो शहनशाहों से कम नहीं होते। ट्रकर हजरात यहाँ पे आराम फरमाते हैं और दावत का इंतज़ाम करते हैं। ये लोग जिस कदर से यहाँ पे पार्टीज़ और कढ़ाइयों के मज़े उड़ाते हैं, आप लोग इस चीज़ को महसूस भी नहीं कर सकते। इस तरह के खूबसूरत खाने और लजीज जायके पूरे पाकिस्तान में या दुनिया भर में चखने को मिले तो भाई हम भी ट्रक ड्राइवर बन जाएंगे। तो आ गया तुम, कैसे हो कैसे हो यार? असल में ना आज फोन कहाँ से नहीं लेने दे रहा, कहाँ से नहीं लेने दे रहा। ये हमारे लेट लतीफ हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, अब दोबारा से कॉल पे हैं, एंड ये भी दोबारा से कॉल पे आए हैं दोनों दावत खाने के लिए। इनके काम देख लो, ये इनके काम देख लो। बस यही था जी हमारा लेट लतीफ, और खैर हमारी बात कंप्लीट होते होते आ गया, अंदर बैठे बिल खाना तो हो गया, तैयार हो गया, काफी देर तक हो गई साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना हमारा लग गया जी, और माशाल्लाह मैं पहले बाइट ले लूँ, बड़ी देर से रुका हूँ, मुँह में पानी आ रहा है। शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। यार जो कढ़ाई की जो लुक है अनबिलीवेबली तौर पे, बस इश्क सा एक हो जाता है और वो बढ़ता रहता है, और वो बढ़ता इतना रहता है कि आप दिमागी सेंस खो देते हो, कितना बढ़ता रहता है, इतना बढ़ता रहता है। नुए कह रहा हूँ कि नहीं? राइट कह रहा हूँ। लेट लतीफ़ से पूछते हैं, आज से भाई का नाम लेट लतीफ़। कमेंट भर दो नीचे लेट लतीफ़ वाला, लाइन कर दो। रायता क्या था इनका यार, चेक किया? मज़ेदार, ब्लैक पेपर ऑलवेज बी गुड फॉर हेल्थ। गाढ़ा यार, अच्छा मतलब कढ़ाई के साथ जो बनता है ना मतलब उस तरह का वो हल्का फुल्की चीज़ नहीं है, एक एवरेज चीज़ है। और सलाद की प्रेजेंटेशन है किलर है, और पीसीज इसके बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं। इसका जो टेंडर है एक जूसी टेंडर है, मैंने वाला बना के आपको दिखाता हूँ, फिर आपका भी दिल में ललचाता हूँ कि कैसी किसके अंदर चीज़ बनी हुई है। और हड्डियों वाला गोश्त बड़ा मज़ेदार होता है, आप बोटी देखो, बोटी के लश्कार है, इसके शशके देखो, आपको फिर समझ में आने की क्या चीज़ है, और गुलामी लावा सा टेस्ट है।
हाँ, वो वाला सीन हो गया इस जगह पे। तो भाई अब करने वाला फास्ट फॉरवर्ड, आप लोग यहाँ बैठे इंतज़ार फरमाएं, अब इसको चकाचक मार के आपके सामने दिखाते हैं। हाँ जी, खाना हमारा हो गया पूरा, और भाई बगैर चाय के पंजाबी लोगों का खाना पूरा होता नहीं है, कोई डाइजेस्ट करने के लिए कैसी चीज़ है। हाँ, सिप लगाया बस आ गया। तो खैर असल बात ये कि यहाँ पे बैठ के जो मैं रिव्यू क्यों दे रहा हूँ वो लेट लतीफ़ की वजह से। नुमान भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। डिनर कैसा था? बेहतरीन, सब चीज़ें गुड थी। देर क्यों हो गई थी वो तो बता दो यार। काम बस यही वाले थे चीज़ें। और मारित बेचारा दूर से आया था, अपना जो है थोड़ा सा टाइम बचा के उसने कर लिया, लेकिन उसको कॉल्स पे कॉल आ रही थी, इस वजह से वो चला गया। क्योंकि शॉप पे आप लोगों ने उसके देख लिया कि थोड़ा सा काम शाम में वो बिजी था, इस वजह से। अच्छा खैर, बाकी इस जगह की इन्वायरमेंट की बात कर रहा था, उस एम्बियंस की बात कर रहा था कि आप सिटी से बाहर हट के आके बैठते हैं, आपको जो एक कह लेंगे जो फील उस जगह में मिलती है, कि वो अनबिलीवेबली तौर पे आप लोग एक अच्छा फील करने के लिए आ रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोगों को आना चाहिए। बाकी मैं नंबर दे रहा हूँ, अगर कोई वैसे इनको ऑर्डर करे कोई आउट ऑफ सिटी तो वो कैसे कर सकता है, उसके बाद आके वो अपना खा सकते हैं। मतलब अगर किसी के पास टाइम कम हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो आप लोग चेक कर लें। बाकी जो इसी तरह की फर्दर डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, तो इंशाल्लाह से बैक टू बैक अब आप लोगों को ये वीडियोस मिलने वाली हैं। तो उसके अंदर अनाउंसमेंट जो थी मेरी के पॉइंट की हिस्ट्री और उसकी पावर के बारे में मैंने ज़रूर बताना है। तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो बेशक ये वीडियो में भी रमज़ान के अंदर ही रिलीज़ हो, तो ये पहले की रिकॉर्डिंग से आप लोगों ने उस हवाले से माइंड नहीं करना। तो स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।